डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जब मैंने समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम्स जो है उनके स्ट्रक्चर में एक डिप्रेशन, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल कैविटी होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबस्ट्रेट जो है ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है और कन्वर्ट होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो नेक्स्ट जो ये सबस्ट्रेट है इट इज देन कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है ये फॉर द टाइम बी इट रिमेन्स अटैच टू द एंजाइम एंड दिस इज कॉल्ड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट इज देन रिलीज्ड एंड द एंजाइम इज फ्री टू यूज अगेन। ये जो आपके पास मैकेनिज्म होता है इट इज वेरी सिंपल एंड यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि हम इससे यहां से आसानी से इसको अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट फर्स्ट बाइंड टू द एंजाइम एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। इस स्टेज पे यानी इस स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम कैन चेंज द इंटरनल कंडीशन इन विद इन द एक्टिव साइट एंड देन डिसाइडेड ईदर टू द सबस्ट्रेट टू ब्रेक द बॉन्ड और टू कंबाइन द सबस्ट्रेट टूगेदर। सो इस केस में क्या होता है कि अगर बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो एंजाइम स्ट्रेच करता है बॉन्ड को और इस तरह से वो जो बॉन्ड होता है सबस्ट्रेट के बीच में ये ब्रेकअप हो जाता है एंड देन आफ्टर सम जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रिमेन अटैच टू द एंजाइम फॉर सम टाइम एंड एट दैट पॉइंट वी कैन कॉल इट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट उसका रिलीज हो जाता है। यही एंजाइम जो है ये अगेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है और अगेन रिएक्शन को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर बेसिकली एक्सप्लेन बाय टू मेन मॉडल्स, वन इज लॉक एंड की मॉडल, अदर वन इज इंड्यूस्ड स्टेट मॉडल। तो अब हम सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। लॉक एंड की मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द एम एल फिशर इन 1894। लॉक एंड की मॉडल का जो एक्शन है इट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन डिपेंड अपॉन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट आर द डिप्रेशंस और कैविटीज इनसाइड द एंजाइम स्ट्रक्चर वेयर द सबस्ट्रेट कैन बाइंड। सबस्ट्रेट क्या होता है ये आपको पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम एक्ट करता है उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज रिजिड एंड डेफिनेट। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट की शेप है, एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट की प्रेशन है उसकी जो शेप है वो रिजिड है। रिजिड यानी कि वो चेंज नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एंड अदर फर्दर मोर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द शेप ऑफ द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ इतने कम्प्लीमेंट्री होते हैं कि दे फिट एग्जैक्टली टू ईच अदर, यानी सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली फिट होते हैं क्योंकि इनकी जो शेप है वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज दैट कि एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान भी एक्टिव साइट चेंज नहीं होगा, यानी जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होगा और जिस वक्त आफ्टर रिएक्शन जिस वक्त प्रोडक्ट उससे रिमूव हो जाएगा तब भी एक्टिव साइट की शेप चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, इस मॉडल के मुताबिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस मॉडल के मुताबिक बताई जाती है दैट इज के एक्टिव साइट जो है यहाँ पे इट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि एज अ लॉक की तरह एक्ट करता है। जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक ओपन होता है एक स्पेसिफिक की से, या हम कह सकते हैं कि अ स्पेसिफिक की ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, सिमिलरली द एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अपने एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने देंगे क्योंकि ये एक्टिव साइट यहाँ पर एज अ लॉक एक्ट करेंगे और वेरी स्पेसिफिक होंगे एंड ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू दीज
लॉक सो फ्यू मॉलिक्यूल्स में क्या जाएगा की. तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम यहाँ पे एज अ लॉक और सबस्ट्रेट यहाँ पे एज अ की है. जिस तरह से एक खास लॉक को आप एक खास की से ओपन करते हैं, इसी तरह से एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है. यानी कि अगर हम देखें कि प्रोटीएजेस हमारे पास एंजाइम्स है तो वो सिर्फ प्रोटीन पर एक्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स पर एक्ट नहीं करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करेंगे लेकिन प्रोटीएजेस प्रोटीन या फिर फैट्स पर एक्ट नहीं करेंगे. तो इसके चंद और पॉइंट्स हम देखते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इसमें लॉक एंड की मॉडल में, वो ये है कि जो एंजाइम्स इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं. एंजाइम्स विच फॉलो दिस मॉडल और विच वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स. बट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स फॉलो दिस लॉक एंड की मॉडल. फॉर एग्जाम्पल माल्टेज, सक्रेज एक्सेट्रा. माल्टेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट द माल्टोज इन टू ग्लूकोज and sucrose is the enzyme which convert the sucrose into glucose and fructose. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो बहुत सारे enzymes ऐसे होते हैं जो broad range specificity show करते हैं, but there are some enzymes which only catalyze only one substrate, which can only catalyze only one substrate, and such of the enzymes which can catalyze only one substrate are called absolute. They have a absolute specificity. इनका जो characteristic है वो क्या है? Absolute specificity. Absolute specificity of the enzyme का क्या मतलब है कि enzymes, the enzyme which can only catalyze the one substrate and essentially they are called absolute specificity. For example, urease. Urease क्या करता है? Urea और water के साथ जब ये combine करता है तो it is converted to ammonia and carbon dioxide. So urease जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया पे एक्ट करता है और एक ही सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये इसकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है. अब आप उस डायग्राम की तरफ देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है मैंने एंजाइम बनाया हुआ है जो कि मैंने माल्टेज एंजाइम बनाया हुआ है. ऊपर मैंने माल्टोज सब्सट्रेट बनाए हुए. माल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट से बना होता है. आपको पता है ये डायसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यूनिट यानी टू ग्लूकोज यूनिट से बना होता है. अब आपको इसकी एक्टिव साइट नजर आ रही है, ठीक है, माल्टेज एंजाइम की. सेकंड स्टेज में आपको नजर आ रहा है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा, यानी एंजाइम जो है वो जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट है ये इसके एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होगा और इसके बाद ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एंजाइम जो है वो फ्री हो गया और जो सबस्ट्रेट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसके प्रोडक्ट हैं. तो ये मैंने यहाँ पर लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया.